सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्टली HSBT बोर्ड ने अपना पेपर कंडक्ट करवाया था 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में। जिन बच्चों का पेपर इनमें नहीं हो पाया था टेक्निकल इश्यू की वजह से, तो उनके लिए फ्रेंड्स HSBT बोर्ड ने, आपको पता होगा कि अपने वेबसाइट पर PCA फॉर्म का डेट अलाउंस अप्रॉक्स 5-6 दिन पहले ही कर दिया था कि आपका PCA फॉर्म 7 नवंबर से 25 नवंबर तक फिल होगा। सो फ्रेंड्स, ये तो PCA फॉर्म का बात है, बट फ्रेंड्स अब जो कन्फ्यूजन सारे स्टूडेंट के बीच में है कि सर पेपर कैसे होंगे, व्हाट इज़ द मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ दिसंबर 2020। जो बच्चे रेगुलर वाले हैं या रीअपीयर वाले हैं, अभी तो कोविड चल रहा है फ्रेंड्स, तो इनमें पेपर कैसे लेंगे हरियाणा स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन। सो फ्रेंड, जैसे कि मेरा अभी बात हुआ था 2 दिन पहले हरियाणा स्टेट बोर्ड में किसी टीचर से, जो गवर्नमेंट टीचर है, वो मुझे पूरे डिटेल बताए थे फ्रेंड्स। तो मैं इस वीडियो में पूरा कुछ शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, आपका पेपर का मोड कैसा होगा फ्रेंड्स, एग्ज़ाम कब होगा, PCA फॉर्म कब तक सबमिट करना है, आपका रिजल्ट कब तक आएगा और DMC कब तक आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ सबसे पहले कि आपका पेपर फ्रेंड्स जनवरी टू फरवरी में होगा फ्रेंड्स। इट मीन्स आपका जो पेपर है रेगुलर या रीअपीयर जितने भी स्टूडेंट हैं या रेगुलर, उनका पेपर फरवरी मंथ में होगा। इट मीन्स जनवरी के लास्ट में चालू होगा और फरवरी के मिडिल में ख़त्म हो जाएगा फ्रेंड्स। और जो ये पेपर आपका रेगुलर वाले स्टूडेंट के साथ होगा, जो स्टूडेंट अभी रेगुलर सेम में हैं, जैसे कि वो 5th सेम या जो 1st ईयर में हैं या 2nd ईयर में अभी प्रमोट हुए हैं, उनके साथ आपका पेपर होगा। इट मीन्स आपका पेपर अभी जनवरी के लास्ट में चालू होगा और फरवरी के स्टार्टिंग वीक तक ख़त्म हो जाएगा फ्रेंड्स। ये नोटिस निकल के आई है HSBT की तरफ से। और फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन आता है कि सर पेपर का मोड कैसा होगा। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, पेपर का मोड आपका ऑफलाइन पेपर होगा, मतलब पेन और कॉपी पेपर होगा। पेन मतलब आपको जैसे कि आपने कॉलेज में एग्ज़ाम दिया होगा पहले, उस तरह का आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा कॉलेज में, सेंटर पे बुला के। आपका पेपर ऑनलाइन नहीं होगा, जो बोर्ड ने मुझे साफ साफ मना कर दिया है कि पेपर सारे बच्चे का ऑफलाइन होगा, कॉलेज में बुलाया जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने 2 बात बताएं कि पेपर कब होंगे और पेपर का मोड कैसा रहेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, थर्ड है कि आपका PCA फॉर्म का डेट 7 से 25 नवंबर तक है, आप उसे फिल कर सकते हैं अपने कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स में जाकर या ऑनलाइन। इसका नोटिस आपको 5 नवंबर को पक्का आ जाएगा, जैसी मेरी उनसे बात हुई थी। सो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि रिजल्ट कब तक आएगा। सो फ्रेंड्स, आपको पता है जब ऑफलाइन पेपर होते हैं उनका रिजल्ट अप्रॉक्स 1 मंथ लग जाता है हरियाणा स्टेट बोर्ड में। तो समझ दो फ्रेंड्स, आपका रिजल्ट मैं बता दूँ, इट मीन्स फरवरी के लास्ट या मार्च के 1st वीक में आपका रिजल्ट आएगा। सो फ्रेंड्स, आप वेट कीजिएगा, 1 मंथ का पेपर के बाद आपका रिजल्ट पक्का आएगा। और फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है कि DMC कब तक आ जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का DMC जो नेक्स्ट सेम होंगे जून में पेपर, उनके बाद जो बच्चे क्लियर होंगे रेगुलर वाले, उनके साथ आपका DMC प्रोवाइड किया जाएगा और उसके बाद आप हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं आगे, वरना अभी तो एलिजिबल नहीं है फ्रेंड्स। जैसे कि ये सारे बात मेरे HSBT बोर्ड से बात हुई थी, उनके थ्रू मैं अपना ओपिनियन शेयर किया हूँ इस वीडियो में फ्रेंड्स। फर्स्ट पॉइंट था आपका पेपर जनवरी के लास्ट में चालू होगा और फरवरी तक चलेगा। सेकेंड पॉइंट है आपका एग्जाम ऑफलाइन मोड होगा, मतलब आपको सेंटर पर जाकर पेपर देना पड़ेगा। थर्ड है फ्रेंड्स, आपका रिजल्ट आफ्टर 1 मंथ बाद आएगा। और फोर्थ पॉइंट है आपका DMC फ्रेंड्स जून या जुलाई के वीक में मंथ में आएगा, जो रेगुलर के बच्चे के साथ आएगा। सो फ्रेंड्स, यही 5 पॉइंट था जो सारे बच्चे अभी कन्फ्यूज में है, रेगुलर प्लस रीअपीयर वाले। तो सो फ्रेंड्स, आप वेट कीजिए तब तक और अपना स्टडी कंटिन्यू कीजिए। और कोई भी इंक्वायरी हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे DM कर सकते हैं, लिंक प्रोवाइड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो फ्रेंड्स, आप वेट कीजिए और स्टडी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग ए वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एंड थैंक यू।